हेलो क्लास, आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ कॉटन बर्ड प्रिंटिंग। तो आज हम आपको कॉटन बर्ड प्रिंटिंग बताएंगे किस तरह से हम कर सकते हैं। इसके लिए वी नीड कॉटन बर्ड्स, इरेजर एंड पोस्टर कलर, सॉरी रबर बैंड एंड पोस्टर कलर। तो हम थोड़ी सी कॉटन बर्ड लेंगे और हम इनको ऐसे टाई कर लेंगे। हमने यहाँ पर कुछ कॉटन बर्ड्स ली हैं, इनको हम टाई कर लेंगे एक रबर बैंड से ऐसे। तो हमने ये कॉटन बर्ड्स को ऐसे रबर बैंड से बांध दिया है, इसे टाई किया है। थोड़ी सी रबर और लेंगे हम कॉटन बर्ड्स ऐसे ही। तो ये हम कुछ कॉटन बर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और इसको हम रबर बैंड के थ्रू टाई कर लेंगे। तो ये हमने कुछ कॉटन बर्ड्स और ली और इनको भी हमने रबर बैंड के थ्रू बांध दिया। आप किसी भी चीज़ से इसको ऐसे टाई कर सकते हैं। अभी हम जो पोस्टर कलर लेने वाले हैं वो हम यूज़ रखेंगे निकाल कर। जो जो पोस्टर कलर्स हमें नीड है, हम रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन, ये कलर्स यूज़ करेंगे, ब्लू। ये सारे कलर्स हमने निकाल कर रेडी कर लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए इस कलर प्लेट के अंदर हम कलर निकाल लेंगे, जो जो कलर हम यूज़ करने वाले हैं। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं ग्रीन कलर यहाँ पर निकाल रही हूँ। ब्राउन कलर निकालेंगे, तो ये कलर हमने निकाल लिया है। तो हमने एक कलर प्लेट के अंदर हमने बहुत सारे कलर्स निकाल लिए हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले इस कलर प्लेट के अंदर अपने कॉटन बर्ड को डिप करेंगे ऐसे और यहाँ पर इम्प्रेशन देंगे ऐसे। तो ये हम डिप करेंगे और डिप करने के बाद, जैसा हमने आपको बताया, ये हम इम्प्रेशन दे रहे हैं ऐसे। अब हम यहाँ पर
अभी हम यहाँ पर हमने ये ग्रीन लिया था, ये पीछे की साइड से हम इसमें कलर में डिप करेंगे और हम इम्प्रेशन देंगे। तो पहले हम यहाँ पर ये येलो कलर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने डिप किया और डिप करने के बाद हम यहाँ पर भी इसमें इम्प्रेशन दे रहे हैं, इस पर भी, और हम ट्री तो ये हमारा अभी हम यहाँ पर ट्री में इम्प्रेशन देंगे। अभी हम यहाँ पर भी ये ट्री का इफेक्ट देंगे हम। तो ट्री में हम कॉटन बट के थ्रू ऐसे यहाँ पर हम बहुत सारे कलर्स यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले येलो यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसके ऊपर रेड और ऑरेंज भी यूज़ करेंगे। अभी हम रेड यूज़ करेंगे। अभी हम इसके ऊपर ऑरेंज कलर यूज़ कर रहे हैं। ये हमने कॉटन बड ली, उसमें हमने डिप किया कलर में, और हम इसके ऊपर इसका इफेक्ट देंगे थोड़ा सा ऑरेंज कलर का भी। तो ये एकदम स्प्रिंग ट्री का इफेक्ट आएगा इसके ऊपर। हमें कलर में डिप करना है और डिप करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा, हमने आपको बताया, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम इफेक्ट आ रहा है इस पर कॉटन बट के थ्रू। इट इज़ लुक लाइक सो रियलिस्टिक, एकदम रियलिस्टिक जैसा इफेक्ट दे रहा है ये। इसमें हम थोड़ा सा येलो कलर और लगाएंगे, लेकिन येलो हम इसमें लाइट येलो यूज़ करेंगे, डार्क येलो यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ा सा हमें लाइट भी इफेक्ट देना है इसमें, इसलिए
अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको माउंट, अब हम पेंसिल का यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर एक हट ड्रॉ करेंगे। एकदम लाइट पेंसिल से यहाँ पर डोर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, और यह छोटी सी विंडो। तो ये हमने कॉटन, इसको हम पहले ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर कर देते हैं, फिर हम इसमें कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक ब्लैक स्केच पेन लेंगे और उसके थ्रू हम यहाँ पर इसका बॉर्डर कर देंगे। तो यहाँ पर ये हम ब्राउन कलर से इसमें कलरिंग कर देंगे। यहाँ कलर में डिप करेंगे और हम यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रेशन दे देंगे इसका। अभी ऊपर की तरफ लेंगे, तो ऊपर की तरफ हम रेड कलर यूज़ करेंगे, जो रेड कलर उसमें हम अपना डिप करेंगे इसको। अब हम यहाँ पर थोड़े कुछ बर्ड्स बना देते हैं, ऊपर हम चाहें तो क्लाउड्स भी बना सकते हैं।
ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम इसमें और कुछ चाहें तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से बनाना है। ओके क्लास, बाय बाय।